One of the top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. BinTech, excellence with values. क्या रहा इस अधिवेशन में और क्या प्रस्ताव रखे गए इसमें? हमारी आज दो दिन की नेशनल एग्जीक्यूटिव जो मीटिंग होती है हर चार महीनों बाद होती है, जिसमें तमाम स्टेट के पदाधिकारी, प्रेसिडेंट्स और नेशनल ऑफिस बेरर आते हैं। तमाम चर्चाएं रहीं कि किस प्रकार से आने वाले दिनों में हमने इलेक्शन गोइंग स्टेट के अंदर और कैसे बीजेपी को घेरने का काम करना है, और तमाम से मुद्दे हैं देश के सामने, किसानों का, बेरोजगारी का, जीएसटी का, नोटबंदी का और जीडीपी का, उनकी लड़ाई किस प्रकार से लड़नी है। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो कार्य करने की बैठक में हुई कि हमने प्रस्ताव रखा है कि अब समय आ गया है कि आदरणीय राहुल गांधी जी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बन जाना चाहिए, उनको कांग्रेस पार्टी की पूर्ण रूप में अध्यक्ष के रूप में कमान संभाल लेनी चाहिए। आज इस देश की ये मांग है, देश के नौजवानों की ये मांग है, देश के लोगों की और किसानों की ये मांग है। तो आज ये प्रस्ताव पारित हुआ है, हम ये प्रस्ताव सोनिया जी को भेजेंगे। तमाम लोगों ने सर्वसम्मति के साथ इस प्रस्ताव को पास किया है कि राहुल गांधी जी को अब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष पद संभाल लेना चाहिए। किस स्टेट की ज़्यादा रहे हैं और किस स्टेट में ज़्यादा आपको समस्या नज़र आ रही है कि छात्रों के साथ भी कई बार संघर्ष होता रहा है, जो होता रहा, जितने अभी भी आवाज़ आ रही है? नहीं, अलग अलग जगह हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में हमारी स्थितियां और हैं, जम्मू कश्मीर में हमारी कहीं और दिक्कतें हैं, गुजरात में हमारी कहीं और दिक्कतें हैं। हम इस कार्य करने की बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हैं और फिर उसको फॉलोअप करके आने वाले दोनों में उसको कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट के सामने और राहुल गांधी के सामने रखते हैं और उनको उनकी लड़ाई लड़ते हैं। काफ़ी प्रदेशों में अलग अलग प्रकार की दिक्कतें हैं जिसको आने वाले दिनों में हम देश भर में लड़ाई लड़ेंगे। महंगाई को लेकर आपने थी भाई, महंगाई को लेकर जगह जगह पर हमने पहले भी प्रदर्शन किए हैं, पेट्रोल डीजल को लेकर प्रदर्शन किया। आज उसी की वजह है कि हमने तमाम पंपों के बाहर एक प्रदर्शन किया। मेरे को लगता है कि आज महंगाई आसमान छू रही है। कोई भी साधारण सामान्य व्यक्ति अपनी ज़रूरत की वस्तुएं लेने के लिए परेशान है।